हेलो एंड वेलकम एवरीवन दिस इज राकेश अगेन हियर अ बैक विद द वंडरफुल लेक्चर फॉर यू ऑल डियर लर्नर आई होप डियर लर्नर आप सभी को अच्छा बेनिफिट इन लेक्चर से मिल रहा होगा एंड डेफिनेटली यू ऑल हैव पार्टिसपेट इन वेरी ब्रीफ वे इन वेरी वेल मैनर जो आपका कल का एमसीक्यू सेशन था उसके बाद डियर लर्नर हमने पहले यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन थे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे उन सभी को एक ब्रीफ़ हिस्ट्री के साथ जियोग्राफिकल लोकेशन के साथ उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ हमने कवर करा था तो उसी तरीके से हमने उसके बाद लद्दाख यूनियन टेरिटरी के बारे में भी एक सीरीज शुरू करी थी जिसका आज आपके पास यहाँ पे सेकेंड पार्ट है और आज इस सेकेंड पार्ट के साथ हम जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के साथ साथ लद्दाख यूनियन टेरिटरी के जितने भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको फिनिश करने वाले हैं खत्म करने वाले हैं आई होप डियर लर्नर कल का जो एम सेशन था वो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहा होगा इसी प्रकार के और भी एम सेशन आपको आने वाले हैं इसीलिए जितनी भी लेक्चर्स आपने अभी तक पहले अटेंड करी हैं उनको एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज करें डियर लर्नर मैं आपको यहाँ पे एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स के स्कोर यहाँ पे मीडियम आए या मिडल में आए या थर्टी प्लस आए तो डेफिनेटली उन्होंने अच्छा रिविजन करा भी था उसके बाद जिन स्टूडेंट के मार्क्स थोड़े से लेस हैं तो कहीं ना कहीं उनकी रिविजन में कहीं चूक रह गई है तो एक बार आप फिर से रिवाइज करें ताकि आप अच्छे नंबर को अच्छे मेरिट को सिक्योर कर पाए दूसरी बात यह है कि कही न कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट दे ही रही हैं अगर आप यहाँ पे फाइनल ईयर फाइनल ईयर के अंदर हैं थर्ड ईयर के अंदर है तो कभी ना कभी जाके आप अगर स्टेट लेवल के कंपटीशन को फेस करोगे या फिर आप नेशनल लेवल के कंपटीशन को फेस करोगे तो उसके लिए भी ये सभी लेक्चर्स आपके लिए बेनिफिशियल साबित होने वाली हैं डियर लर्नर मेरा यहाँ पे मेन मोटिव यह है कि मैं आपका जो लॉकडाउन का जो टाइम है उसको को एक प्रोडक्ट क्यों बना पाऊं ताकि दूसरों की तरह आप भी यह ना समझो कि हमारा जो लॉकडाउन था पूरा का पूरा यहाँ पे वेस्ट हुआ है कुछ ना कुछ आप इसके यहां से बेनिफिट लेके अपने इस कोविड नाइनटीन पैंडेमिक के अंदर जो लॉकडाउन चल रहा है उसका बेनिफिट ले पाए और अपनी कॉलेज स्कूल की स्टडी के साथ साथ अपनी स्टेट के बारे में अपनी यूनियन टेरिटरी के बारे में अपनी नेबरिंग स्टेट्स के बारे में या कुछ और नॉलेजेबल थिंग्स जो आपको मिल रही हैं वो आप सीख पाए ताकि आप एक अपने लेवल ऑफ नॉलेज को और ग्रो अप कर पाए और अच्छा राइज करें ताकि आप कभी भी किसी भी दिक्कत में और ज्यादा ना फंसे और आने वाले समय के अंदर आपको बस रिविजन करने की जरूरत हो ज्यादा तब आपको टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं हो सो डियर लर्नर एज ए अर्लियर शंट मैंने वहां पे मैंशन करा है कि आज किसके अंदर हम पार्ट सेकेंड को देखने वाले हैं और मैंने यहां पे आपके लिए लिखा भी है यहां पे पार्ट सेकेंड है तो ये पार्ट सेकेंड आपको जम्मू एंड कश्मीर के अलावा लद्दाख यूनियन टेरिटरी के ऊपर बेस्ड है तो माना यह जाता है कि लद्दाख भी अभी, अभी अभी अलग हुआ है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो थी बाइफरकेट होके यहां पे जो अलग हुई है तो इससे माना जाता है कि इसके क्वेश्चंस भी जेके एस भी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं इसीलिए आप यहां पर तीस चालीस मिनट निकाल के दो लेक्चर्स को देख लें पीडीएफ इनकी आपको मिल जाएगी उसके बाद आज इवनिंग में एट थर्टी आपके लिए जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन जो एक्ट आने वाला है मैंने आपको दिन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप

फैलाए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतनी चीजें देखने यही बोलता हूं लाइक कर दें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करके बेलाइक को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर एक लेक्चर की नोटिफिकेशन अच्छे से आपको मिल पाए डी लन आज यहाँ पे सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट के अंदर हम यहाँ पे बात करेंगे जो रॉयल ले पैलेस है तो उसकी बात करेंगे क्योंकि जो पहली वाली लेक्चर थी उसके अंदर हमने यहाँ पे जो वैलीज जितनी भी लद्दाख रीजन के अंदर आती हैं जैसे न्यूबरा वैली श्योक वैली जो श्योक रिवर भी माना जाता है उसके बाद द्रास वैली को देखा था जंस्कर वैली को देखा था उसके बाद खरदुंगला पास को देखा था फिर उसके बाद जामा मस्जिद को देखा था तो ये सभी हमने पहले कवर कर दी है आज की इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे दूसरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो लद्दाख रीजन के अंदर आते हैं उनकी बात करने वाले हैं अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाएं, वहां पे आपको पार्ट फर्स्ट का लिंक दिया हुआ है उसको ओपन करके एक बार वो लेक्चर भी देख लें ताकि आपको वो भी बेनिफिट मिल पाए डी लर्नर यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे रॉयल ले पैलेस जो है जो नामग्याल डेनेस्टी ने बनवाया था और किसने बनवाया था जो यहाँ पे सीनेज नामग्याल थे जो सीनेज नामग्याल थे उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई थी जिसकी तो आज बात करने जा रहे हैं तो यहाँ पे जो रॉयल ले पैलेस है उसको तो फॉर्मर रॉयल पैलेस के नाम से भी जाना जाता है क्यों ये जाना जाता था रॉयल पैलेस के नाम से ये क्योंकि यहाँ पे डोगरा जो फोर्स जब यहाँ पे डोगरा रूल था लेह लद्दाख के अंदर जो मिड नाइनटीन के आसपास था तो उन्होंने यहां पे जो रॉयल फैमिली थी वो वहां पे स्टॉक पैलेस के अंदर यहां से रिमूव करी थी तो इसी तरीके से स्टॉक पैलेस क्या है तो इसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि एक स्टॉक गोम्पा करके मोनेस्ट्री करके भी यहां पे लेह लद्दाख के अंदर आपको देखने को मिलेगी तो इस तरीके से यहां पर यह आपको देखने को मिलेगा जो बहुत ही पुराना माना जाता है बनाया हुआ है लगभग इसकी जो कंस्ट्रक्शन हुई थी सिक्सटीन हंड्रेड एडी में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी जो इसके कंस्ट्रक्शन करवाने वाले जो वहां के तब के रूलर थे वो सीनेज नामग्याल थे तो सीनेज न, सी सिनेज नाम क्या यहाँ पे इसके जो मैन कंस्ट्रक्टर थे जिन्होंने यहाँ पे रॉयल ले पैलेस को बनाया था उसके बाद बात करें इस पैलेस की बात करें तो इसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी खासकर आपको पास के टाइम की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी जिसके अंदर आप बात करें यहाँ पे म्यूजियम है जिसके अंदर आपको ज्वेलरी मिलेगी ऑर्नामेंट्स मिलेंगे उसके बाद सेरेमोनियल ड्रेस मिलेंगे और क्राउन्स यानी ताज जो पिछले किंग्स के होते थे वो आपको देखने को मिलेंगे उसके बाद यहाँ पे इस प्लेस को आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर भी रखा जाता है अब आप कि सर ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या होता है इसके अंदर जो भी पुराने मोनोमेंट्स होते हैं उनको प्रिजर्व करा जाता है उनकी जो टूरिस्ट अट्रैक्शन होती है उसको ओवर इनरिच कर जा करा जाता है और उसको दोबारा से एक अच्छी कंस्ट्रक्शन री बिल्ड करके इसको एक टूरिस्ट प्लेस बनाया जाता है तो उसके अंदर भी

बात करें यहां पे और एक अच्छी बात करें तो यहाँ पे एक हेमिस नेशनल पार्क भी है इस हेमिस नेशनल पार्क की भी बात करेंगे ये एक बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे है हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क के लद्दाख रीजन के अंदर जो आती है लद्दाख अपने आप में एक ब्यूटी है अगर बात करें ये ग्लोबली भी फेमस है किस चीज के लिए ये फेमस है तो यहां पर मैंने आपको मार्क करके बता रहा हूँ जो स्नो लेपर्ड्स हैं तो उनके लिए ये पूरे वर्ल्ड वाइड में मानी जाती है ये माना जाता है कि अगर आप बात करें एशिया की बात करें और एशिया के अंदर अगर आप पूरे हिंदुस्तान साथ बात करें अंदर सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं लेकिन वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा किसी जगह पे स्नो लेपर्ड्स की डेनेसिटी को अगर आप देखें तो वहां पे ये हेमस नेशनल पार्क, ये जो लद्दाख रीजन के अंदर आती है तो वहां पर आपको देखने को मिलेगी उसके बाद हैव द हाइस्ट डेनेसिटी ऑफ इन प्रोटेक्टेड एरिया इन द वर्ल्ड उसके बाद अगर आप बात करें इट इज द ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया दैट इज नॉर्थ ऑफ द हिमालय अगर आप हिमालय साइड की बात करें नॉर्दर्न साइड की बात करें जो नॉर्दर्न साइड के जो हिमालयाज हैं तो इसमें से उनमें सबसे एक ही यहाँ पे प्रोमिनेंट जो नेशनल पार्क मानी जाती है वो हेमस नेशनल पार्क है और इसका जो एरिया वो नोटिफाइड करा जाता है जो जिसको लार्जेस्ट नेशनल पार्क के अंदर भी रखा गया है और उसके बाद बात करें ये सेकंड लार्जेस्ट कंटीजियस प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर जो भी नेशनल पार्क है वो उसके अंदर भी आती है और अगर आप एरिया वाइज बात करें तो इसका लगभग एरिया आपको फोर्टी फोर हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर आपको इसका एरिया आपको दिखने को मिलेगा तो ये यहाँ पे इसका कुल मिलाकर एरिया है अगर ये बात करें ये सेकंड लार्जेस्ट कंटेजियस प्रोटेक्टेड एरिया वाली हिसाब से भी अगर इसकी बात करें तो सेकंड है जो यहाँ पे आपको मैंने लिखा है तो ये हिसाब से भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि सेकेंड लार्जेस्ट कंटीजियस प्रोटेक्टेड एरिया वाले ये नेशनल पार्क है बात करें किसके बाद आती है ये जो नंदा यहाँ पे देवी बायस बायोस्पेर रिजर्व है तो उसके बाद यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क आती है अगर बात करें इस पार्क के अंदर आपको बहुत ज्यादा इंडेंजर स्पाइसिस देखने को मिलेंगी मीन मिल स्पीशीज देखने को मिलेंगी अब इन स्पीशीज के अंदर आप सबसे बात करें मैमल्स जैसे आप स्नो लेपर्ड की बात करें हंगुल की बात करें उसी तरीके से आपको यहाँ पे डबल हम्प कैमल भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे लह लद्दाख के अंदर यहाँ पे सचुएट है जिसका नाम हैमिस नेशनल पार्क है अब इसी हैमिस के नाम से यहाँ पे एक माइनेस्ट्री भी है उसकी भी बात करेंगे अगर इस बात कर इस पार्क की बात करें तो ये नॉर्दर्न बैंक जो है वो किससे इसका ढका हुआ जो इंदुस रिवर के नॉर्दर्न बैंक के साइड पर यह सचुएट करती है उसके बाद इसके अगर कैचमेंट एरिया की बात करें इसके आसपास एरिया की बात करें जो मरखा है सुमदा है और रुम्बाक यहाँ पे जो जस्कर रेंज के जो पार्ट है तो इसके आपको इसी के साथ कैचमेंट एरिया में आपको मिलेंगे उसके बाद इसे यहाँ पे नेशनल पार्क की बात करें हेमिस नेशनल पार्क की बात करें तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन साउथ एशिया अगर आप एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें और सोदन साइड की बात करें तो साउथ एशिया की सबसे बड़ी यहाँ पे क्या है ये नेशनल पार्क है तो मैंने अभी आपको एरिया भी बताया था जिसका एरिया लगभग 4400 फोर हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर है जो लगभग सतारह सौ स्क्वायर मील यहाँ पे आता है इस तरीके से यहाँ पे ये यह बात आपको जानने को मिलती है जो हैमिश नेशनल पार्क के बारे में है उसके बाद यहां पे बात करें हेमिस मोनेस्ट्री की बात करें जिसको गोम्पा भी कहा जाता है डी लर्नर आपको यहां पे यह बात याद रखनी है कि जो हैमिस मोनेस्ट्री है इसको गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है यानी मोनेस्ट्री गोम्पा या आप गोम्पा मोनेस्ट्री एक ही बात है जिसको आप ज्यादा कंफ्यूज इस बात से ना हो तो यहां पर अगर हैमिस मोनेस्ट्री की बात करें यह हिमालयन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जिसको गोम्पा भी कहा जाता है ये कहाँ पे किसकी है जो दुर्कप्पा लिनेज है तो उनके लिए यहाँ पे बनाई गई है जो लद्दाख के एक रीजन हेमिस है यहां पर बनवाई

उसके बाद इस लेक यहाँ पे जो मोनेस्ट्री है यानी मोनेस्ट्री के पास आपको एक यहाँ पे हर साल एक मेला लगता है एक फेस्टिवल होता है हेमिस फेस्टिवल के नाम से वो जाना जाता है जो किसको जो लॉर्ड पद्मा संभावा उसके नाम पे ये डेडिकेट किया जाता है जो जून के शुरू के मंथ में होता है उसके बाद बात करें यहाँ पे ये टिबियन आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है जो भी आर्किटेक्चर स्टाइल इसके अंदर है तो वो जो चाइना का जो तिब्बत पार्ट है तो उसी तिब्बतियन आर्किटेक्चर स्टाइल पे इसको डिजाइन करा गया है कंस्ट्रक्ट करा गया है उसके बाद ये लगभग अलेवेंथ सेंचुरी के अंदर बनवाई गई थी तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट बात रखनी है लेकिन उसके बाद इसके जो रिकंस्ट्रक्शन थी जो री एस्टेब्लिशमेंट थी तो सिक्सटीन हंड्रेड सेवेंटी टू के अंदर सीनेज नाम के ने दोबारा से करवाई थी उसके बाद और अब बात करें यहाँ पे मैग्नेटिक हिल की बात करें तो आपने अक्सर सुना होगा कि लेह लद्दाख के अंदर एक यहाँ पे एक ऐसी पहाड़ी है जहां पे आपको जो गाड़ी अगर चलती है तो उसको वहां पे एक पुल खिंचाव मिलता है माना यह जाता है कि इस पहाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा मैग्नेट है जो लोहे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो इसको मैग्नेटिक हिल के नाम से जाना जाता है लर्नर यहां पे अपने अपने बहुत ज्यादा आपको मिथ मिलेंगे माइथोलॉजिकल बेस के हिसाब से अगर आप लोकल विलेज के हिसाब से देखो तो वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पे दो अलग अलग मिथ मिलेंगे और इसी तरीके से अगर आप एक्सपेरिमेंटल के हिसाब से बात करो तो वहां पे आपको अलग मिलेगा कई लोगों का मानना यह भी इसके नीचे कोई भी मैग्नेटिक कोई भी यहाँ पे मेटल नहीं है तो इस तरीके से यहाँ पे बात की जाती है लेकिन जो विलेजर्स है यहाँ के ये मानते हैं कि ये जो मैग्नेट रोड है ये स्ट्रेट वे टू हेवन है यानी एक ऐसा रास्ता जो सीधा स्वर्ग की ओर जाता है यानी यहाँ पे तो इस तरीके से इस रास्ते को यहाँ पे माना जाता है जो विलेजर्स यहाँ के हैं तो इट इज ऑल्सो नोन एज द स्ट्रेट वे टू हैवन यानी ये सीधा ऐसा मैग्नेटिक रोड है जो सीधा स्वर्ग को जाता है यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एक्सीडेंट प्रोन एरिया भी देखने को मिलेगा इस तरीके से ये माना जाता है उसके बाद बात करें मैग्नेटिक हिल की बात करें तो इसको साइक्लोप हिल भी कहा जाता है साइक्लोपस हिल भी कहा जाता है अगर बात करें ये ले, लेह के अंदर आती है अगर इसकी लेआउट की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ऑप्टिकल एल्यूजन देखने को मिलेंगे यानी बहुत बहुत अपने अपने हिसाब से आपको इसके मिथ जानने को मिलेंगे उसकी बात करें ये बहुत बड़ी पहाड़ी के ऊपर यानी हिल रोड के नाम से जाना जाता है इसकी बात करें ये एक डॉन हिल रोड है यानी एक स्लोप साइड में आपको रोड देखने को मिलेगा उसके बाद जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो वेहकल्स होते हैं तो इस जो रोड है इसके ऊपर चढ़ते हुए दिख रहे हैं इन ऐसा लगता है कि ये रोल कर रहे हैं यानी जो हिल से नीचे के लिए ये क्या कर रहे हैं रोल कर रहे हैं यानी यहाँ पे रोलिंग करते करते आ रहे हैं क्योंकि यही यहाँ पे जो डिफेंसी ऑफ ग्रेविटी इसकी वजह से आपको ये देखने को मिलता है उसके बाद बात करें इट इज सेवन पॉइंट फाइव किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ निम्बू यहाँ पे निम्बू एक विलेज का नाम है जो लेह के अंदर है तो उससे लगभग ये सेवन पॉइंट फाइव किलोमीटर ये दूर है और यहाँ पे 26.5 किलोमीटर ये वेस्ट साइड ऑफ ले से दूर है या श्रीनगर से आप इसको जो श्रीनगर लद्दाख रोड है तो उससे यहाँ पे 26.5 लगभग 27 किलोमीटर ये वहाँ से दूर है इसी तरीके से लोकल इसको यहाँ पे स्ट्रेट वे टू हेवन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे शांति स्टूपा देखने को मिलेगा जो यहाँ पे लेह लद्दाख के अंदर आपको देखने को मिलेगा अगर बात करें यहाँ पे शांति स्टूपा की बात करें तो ये एक बुद्धिस्ट वाइट डॉम्ड स्टूपा है जिसको चौटन के नाम से भी जाना जाता है और ये यहाँ पे चंसपा एक हिल है जिसके ऊपर यहाँ पे ये सचुएट करता है जो ले डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है उसके बाद बात करें ये किसके द्वारा बनवाया गया था तो यहाँ पे जो जापानीज बुद्धिस्ट थे और जो लद्दाखी बुद्धिस्ट थे तो उनके दोनों के कॉपरेशन से कॉम्बिनेशन से इसके कंस्ट्रक्शन करवाई गई थी नाइनटीन के अंदर जो यहाँ पे जापान के बुद्धिस्ट भिक्षु थे और जो ग्योमो नकमोरा थे तो उन्होंने यहाँ पे इसको बनवाया था ये किसका पार्ट है पीस पगोडा यहाँ पे मिशन के तहत इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई गई थी अगर आप बात करें जो शांति स्टूपा तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी निशानियाँ भी आपको देखने को मिलेगी माना यह जाता था कि जो फोर्टीन दलाई लामा थे जो बुद्धिस्ट के तो उनके लिए यहाँ पे इसको इंश्राइन करा गया था उनकी याद में इसको बनवाया गया था उसके बाद बात करें अकॉर्डिंग टू द हिंदू न्यूज पेपर की बात करें आप सभी को पता है इंडिया का हमारे एक द हिंदू न्यूज पेपर आता है जो खासकर जेकेपीएससी या किसी स्टेट लेवल या आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम की बात करें तो उसके अंदर आपको करंट अफेयर के लिए सुजेस्ट करा जाता है तो उसका ये माना है कि ये फेमस एक टूरिस्ट स्पॉट है टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो शांति स्टूपा है जो ले, ले के अंदर है और इसकी जो आर्किटेक्चर स्टाइल है इसके अंदर आपको जापानीज प्लस लद्दाखी स्टाइल आपको देखने को मिलेगी इसीलिए यहाँ पे एक मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट भी है ये लद्दाख रीजन के अंदर उसके बाद बात करें यहाँ पे अल्की मोनेस्ट्री की बात करते हैं तो अल्की मोनेस्ट्री यहाँ पे लद्दाख के अंदर है जहाँ पे एक अल्की विलेज है तो उसके अंदर यहाँ पर यह, यह सिचुएट करती है तो यहाँ पे इसको अल्की गौपा के नाम से भी जाना जाता है और इसको मोनास्टिक कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है इट इज़ आल्सो मोर नोन एज द मोनास्टिक कॉम्प्लेक्स जिसको चोसखोर के नाम से जाना जाता है अगर बात करें यहाँ पे अल्की विलेज के अंदर है जो लैह डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है और ये एक ऑटोनॉमियस अपने आप में आती है जो

एल की मोनेस्ट्री को रन किया जाता है चलाया जाता है उसके बाद यहां पे और मोनेस्ट्री की बात करें तो स्पीटुक मोनेस्ट्री है ये भी लेह लद्दाख के अंदर आती है मैं एक बार यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ आपको इनके बारे में इतना ब्रीफ नहीं जाना सिर्फ आपको यहाँ पे स्पीटुक मोनेस्ट्री पूछेंगे कहाँ पे लोकेट करती है किस रीजन में लोकेट करती है तो आपको ये यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये ये मोनेस्ट्री यहाँ पे लेह लद्दाख रीजन के अंदर है तो यहाँ पे जो स्पीटुक मोनेस्ट्री है इसको स्पितुक गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है या पीतुक ग्पा के नाम से भी जाना जाता है जो एक अपने आप में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जो लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आती है उसके बाद बात करें यहां पे इस मॉनेस्ट्री के अंदर आपको हंड्रेड मॉक्स मिलेंगे और उसके बाद एक आपको बहुत ज्यादा एक बोरा स्टैचू देखने को मिलेगा जो माता काली का यहाँ पे बनवाया गया है और इसको एक यहाँ पे इस मोनेस्ट्री के पास आपको एक एनुअल यहाँ पे एक मेला देखने को मिलता है एक यहाँ पे एक फेस्टिवल आपको देखने को मिलता है उस फेस्टिवल का नाम क्या है तो गस्तूर फेस्टिवल यहाँ पे देखो आपके सामने मैंने लिखा अच्छे तरीके से गस्तूर फेस्टिवल यहाँ पे स्पितुक मोनेस्ट्री के पास मनाया जाता है जो हर साल लगभग ट्वेंटी और एथ नाइन्थ डे ऑफ इन अलेवंथ मंथ जो तिब्बतीन कैलेंडर के हिसाब से से आता तो वहां पे इसको मनाया जाता है उसके बाद ये किसने फाउंड करी थी जो ऑडी थे उन्होंने इसको फाउंड करा था अब ऑडी कौन थे जो ला लामा थे जो चंग चुब और थे तो उनके जो बड़े ब्रदर थे उनके द्वारा इसको फाउंड करा गया था तो ये कब करा गया था जब वो मारियोल मारियोल के अंदर आए थे ये जगह का नाम है जब अलेवेंथ सेंचुरी के अंदर इसकी जो कंस्ट्रक्शन हुई थी ऑडी के द्वारा करी गई थी तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बाद एक फियांग गोंपा करके आता है तो फ्यांग गोंपा भी यहाँ पे ले लद्दाख रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे फ्यांग विलेज के अंदर आता है तो इसी तरीके से यहाँ पे नाम भी इसका इसी के साथ प्रोनाउंस करते हुए फ्यांग विलेज पड़ा है उसकी बात करें ये लगभग 15 -16 से 16 किलोमीटर ले लद्दाख से वेस्टर्न साइड में लोकेट करता है और ये कब बनाई गई थी तो ये 1515 एडी के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई गई थी उसके बाद यहां पे बात करते हैं स्टॉक गोम्पा की बात करें तो स्टॉक यहां पे स्टॉक गोम्पा जिसको हम कहते हैं उसके बाद ये बुद्धिस्ट है इन स्टॉक यहां पे एक जगह का नाम है ले डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो वहां पे इसकी कंस्ट्रक्शन यहां पे ये यह सचुएट है लोकेट है बात करें ये यह किसने यहां पे इसको फाउंड करा था जो लामा लॉन्ग लोटस थे उन्होंने यहां पे इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई थी जो लगभग फोर्टीन सेंचुरी के अंदर इसको बनवाया था तो यहां पे आपको एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 108 वॉल्यूम्स ऑफ द खंगयूर के आपको देखने को मिलेंगे खंगयूर एक रिलीजियस बुक हो सकती है बुद्धिस्ट की इसके बारे में मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं करी अगर आपको ज़्यादा पता करना तो आप एक बार गूगल कर दें ताकि आपको यहाँ पर इसके बारे में अच्छी चीज़ें मिल जाए डी एल मैं आपको वही प्रोवाइड करता हूँ जो मुझे खुद पता होता है जहाँ पर ख़ुद पता नहीं होगा मैं साफ साफ आपको बता दूंगा कि आपको खुद यहाँ से चेक करना है तो खंगयूर के बारे में आप भी चेक करें मैं भी चेक करूँगा और अगर आप चेक करें तो एक बार आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर डाल दें कि खंगयूर का मतलब क्या है उसके बाद यहां पे एक रिचुअल डांस मास्क फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करा जाता है हर साल जिसका नाम मास्क फेस्टिवल है तो इस तरीके से यहां पे आपको स्टॉक गोम्पा के बारे में पता चलता है उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर आपको लद्दाख रीजन के अंदर आपको लेक्स भी ज्यादातर मिलेंगी और मैन अगर लेक की बात करें पोंगोंग लेक की बात करें जो लगभग इसका जो 60 परसेंट जो पोर्शन है वो लगभग चाइना के पास है और 40 परसेंट यहाँ पे लद्दाख रीजन के अंदर आता है और जो 60 परसेंट है तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हमेशा ये लाए, हम लाइम लाइट के अंदर रहता है यानी यहाँ पे जो आप बात करें यहाँ पे जो विवाद चलते रहते हैं इसके अंदर तो ये आप इस तरीके से भी जाने जो सिक्सटी परसेंट यहाँ पे पोंगोंग लेक है वो चाइना के अंदर आती है

तोसो नयाक रोमो तोसो जिनको ट्विन लेक्स के नाम से जाना जाता है और उसके बाद न्याक तोसो आपको यहाँ पे पांच ये सब लेक्स पोंगोंग लेक की आपको देखने को मिलेंगी तो ये वाला आपको इसके अंदर आपको जानने को मिलता है सो डियर लर्नर आई होप आपने इन लेक्स के बारे में अच्छे तरीके से देखा ये पांच सब लेक्स कौन कौन सी हैं पोंगोंग क्या कहाँ पे किस रीजन में लोकेट करती है उसके बाद आपको जितने भी मैग्नेटिक हिल था रॉयल लेप पैलेस था हेमस नेशनल पार्क या मोनेस्ट्री की बात करें फिर आप शांति स्टूपा की बात करें स्पिटू गोम्पा की बात करें फ्योंग या स्टॉक गोम्पा की बात करें और उसके बाद पहले लेक्चर के अंदर जैसे हमने वैलीस के बारे में देखा था उसके बाद जंस्कर वैली द्रास वैली नूबरा वैली उसके बाद खरदुंगला पास और जामा मस्जिद के बारे में देखा था तो यही मेन यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन है लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर आई होप ड लर्न आपसे भी कोई इनका बेनिफिट मिला होगा और आपने खूब

सिर को झुकाकर अपने पढ़ाई किताबों में लगाना होगा ताकि आने वाले कल में आपका सिर दुनिया में सबसे ऊंचा हो और आपकी फैमिली आपकी सोसाइटी, आपका नेशन आपकी स्टेट आपकी यूनियन टेरिटरी को भी आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। इसीलिए ट्राई टू डू वर्क बाय लीप्स एंड बाउंड सो दैट यू मे गेट योर सक्सेस वेरी सुन थैंक यू वेरी मच